हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग का बैंकिंग कैरियर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं आईपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स को लेकर के एक हाई अलर्ट जो है कि आप सभी लोग इस टाइप के क्वेश्चन को यदि प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। डेफिनेटली कि फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को देखें और इससे पहले जो दो वीडियो मैंने बनाया है उस टाइप के भी क्वेश्चन को जरूर है कि प्रैक्टिस करके जाएंगे। यहाँ पर जो है हम टॉप 15 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं, जो कि ये चैप्टर जो है वो सिलॉक्स का है। ठीक है, यदि आपको मैं आप सभी लोग को बता दूं, यहाँ पर यदि सिलॉक्स के आप ये 15 क्वेश्चन को यदि आप बना पाते हैं और सारे सही बनाते तो आप 100% आपके आरआरबी क्लर्क के अंदर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप 100% राइट बनाओगे डेफिनेटली। ठीक है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद भी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे क्या आपने सही बनाया या नहीं बनाया है। इससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और किसी भी रंग की जानकारी चाहिए तो जरूर है कि मेरे से संपर्क भी करेंगे। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि यदि आप जिस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं आप उस तरह से क्वेश्चन को बनाइए। मैं जिस तरह से बनाता हूं मैं इस तरह से क्वेश्चन को बनाऊंगा और आप लोग एनालिसिस भी करते हुए चलेंगे। यदि आप मेरे तरीके को सीखे रहते तो क्या आप क्वेश्चन को जल्दी और बना पाते कि नहीं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कंक्लूजन, अ फ्यू पेंसिल आर थिन इज अ पॉसिबिलिटी। अब पेंसिल और थिन के बारे में पूछा जा रहा है तो पेंसिल और थीन कहां पर है, आप इस चीजों को चेक करें। तो पेंसिल यहां पर दिख रहा है, थीन आपका यहां पर दिख रहा है, शार्प शार्प मिल तो रहा है लेकिन ऑल प्लस सम, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम और सम नॉट दोनों होता है फ्रेंड्स। तो ऑल प्लस सम कुछ भी नहीं होता है और किसी दो के बीच में जब दो स्टेटमेंट मिल नहीं पाता है तो उसके बीच में किसी भी ढंग की पॉसिबिलिटी होती है तो वो राइट हो जाता है, यानी फर्स्ट आपका राइट है। सेकेंड है पेन और शार्प। अब पेन और शार्प कहाँ पर है फ्रेंड, तो पेन यहाँ पर है, शार्प यहाँ पर है। सम प्लस ऑल सम होता है, पेंसिल से पेंसिल मिल रहा है लेकिन सम पेन आर शार्प है तो इसका ऑल पेन आर शार्प भी हो सकता, ऑल शार्प आर पेन भी हो सकता। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ओनली पेन आर शार्प, यानी ये गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ओनली वन फॉलो बनेगा। ठीक है, बिना कुछ लिखे हुए आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो फ्रेंड्स। और किसी भी ढंग की जानकारी चाहिए तो आप ये दिए गए नंबर पे जरूर है कि संपर्क करेंगे। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रशर्स और साइकिल कहाँ पर है, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये दोनों वर्ड लिखे दिख रहे हैं। अब यहाँ पर रेस रेस मिल तो रहा है, रेसर्स रेसर्स मिल तो रहा है लेकिन ऑल प्लस सम नहीं होता, सम प्लस ऑल होता है। तो हम इस ओनली ऑफ फ्यू को हम क्या कह सकते हैं, सम और सम नॉट कह सकते हैं। तो यानी कि हम इस स्टेटमेंट को हम चेंज करके ये लिख सकते थे क्या, सम साइकिल्स आर रेसर्स, ये लिख सकते थे, कोई गलती नहीं होता। और इससे यदि हम ये वाले कंक्लूजन स्टेटमेंट को मिला देते, यानी ऑल रेसर्स आर क्रश, तो यहां से ये मिल जाता, सम प्लस ऑल सम होता, यानी सम साइकिल आर क्रश, और सम साइकिल आर क्रश को सम क्रश आर साइकिल भी कह सकते हैं। यानी फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल राइट है। सेकंड जो है क्रशर्स और रेसर है, क्रशर्स और रेसर ऑल का कंक्लूजन ऑल स्टेटमेंट में है, ऑल स्टेटमेंट का दो कंक्लूजन होता है, सम दोनों ही होगा, सम स्टेट में भी होगा तो रिवर्स में भी होगा, तो यहां पर रिवर्स में है यानी ये भी राइट होगा। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बोथ फॉलो बनेगा। ठीक है, आइए थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है ओल्ड और रेड से। ओल्ड और रेड कहाँ पर है, तो ओल्ड यहां पर दिख रहा है, रेड यहां पर दिख रहा है। अब यहां पर ओनली रेड आर बुक लिखा हुआ है। ठीक है, ओनली रेड आर बुक का मतलब होता है केवल रेड ही बुक है, यानी और कोई बुक नहीं है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि ऑल को, ओनली को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऑल बुक इसका लगभग लगभग मीनिंग ऑल बुक आर रेड होता है। इससे यदि हम ये दोनों को मिलाना चाहें तो इसमें दोनों में तो कोई कॉमन दिख ही रहा नहीं है,
अब यदि हम फर्स्ट एंड थर्ड को यदि मिलाते, फर्स्ट एंड थर्ड को यदि मिलाते तो न्यू न्यू मिल गया, सम प्लस नो सम नॉट बनाता है, और सम नॉट से फिर कोई स्टेटमेंट मिल नहीं सकता और उसके बीच में किसी भी ढंग की पॉसिबिलिटी दी रहती है तो वो करेक्ट हो जाता है। बुक और ओल्ड, अब बुक और ओल्ड कहाँ पर है फ्रेंड्स? बुक और ओल्ड, अब देखो बुक यहाँ पर है, ओल्ड यहाँ पर है। अभी मैंने बोला था कि सम प्लस नो सम नॉट बनाता है और सम नॉट का कंक्लूजन कुछ भी नहीं होता, यानी नो जो होगा वो गलत होगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ओनली वन फॉलो बनेगा, केवल पहला सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बॉयज आर गर्ल्स इज अ पॉसिबिलिटी, बॉयज और गर्ल्स कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो बॉयज यहाँ पर है, गर्ल्स यहाँ पर है, टफ टफ मिल रहा है। मोस्ट का भी मतलब सम होता है और फ्यू का मतलब भी सम होता है, सम सम कभी भी मिलता नहीं है, और जब कोई दो स्टेटमेंट मिलता नहीं है उसके बीच में किसी भी रंग की पॉसिबिलिटी होती है तो वो करेक्ट हो जाता है, यानी फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। टफ और हार्ड, टफ यहाँ पर है, हार्ड यहाँ पर है। अब यहाँ पर लिखा हुआ ओनली गर्ल्स आर हार्ड, केवल गर्ल्स ही हार्ड है, यानी और कोई हार्ड हो नहीं सकता। तो जब और कोई हार्ड हो नहीं सकता तो फ्यू टफ और हार्ड कैसे होगा, यानी ये गलत हो जाएगा। ओनली वन फॉलो इसका भी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये सारे क्वेश्चन को बनाने में मुझे कितना समय लग रहा है। मैच आर काउंट इज अ पॉसिबिलिटी, अब मैच और काउंट कहाँ पर है आप चेक कर ले पहले। मैच यहाँ पर है, काउंट यहाँ पर है, दोनों स्टेटमेंट डायरेक्टली मिल नहीं सकता। यदि हम इस दोनों को मिलाते तो सम प्लस नो सम नॉट बनाता है और सम नॉट से फिर कोई स्टेटमेंट मिल नहीं सकता तो उसके बीच में किसी भी ढंग की पॉसिबिलिटी होती है तो वो करेक्ट हो जाता है, यानी फर्स्ट आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ मेनी वॉन्स आर काउंट इज अ पॉसिबिलिटी, अब वॉन आर काउंट कहाँ पर है? तो वॉन यहाँ पर है और काउंट यहाँ पर है, लूज लूज मैच कर रहा है। अब लूज लूज मैच कर रहा है तो ओनली को आप क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर ओनली को हम ऑल लूजेस आर काउंट लिख सकते हैं। इससे यदि हम इस स्टेटमेंट को मिला देते, यानी कि नो वॉन इज लूज को यदि मिला देते तो नो प्लस ऑल सम नॉट बनाता है, यानी सम काउंट आर नॉट वॉन होता और सम नॉट की पॉसिबिलिटी 6 होती है, जिसमें कि ये पॉसिबिलिटी भी आपका करेक्ट हो जाता, यानी बोथ फॉलो इसका करेक्ट आंसर बनता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फ्लावर और लीव्स, फ्लावर यहाँ पर है, लीव्स यहाँ पर है। ओनली अ फ्यू का दो मीनिंग होता है फ्रेंड्स, ओनली अ फ्यू फ्लावर आर लीव्स का मतलब क्या होता है? सम फ्लावर आर लीव एंड सम फ्लावर आर नॉट लीव, तो सम फ्लावर आर नॉट लीव यानी कि ये करेक्ट हो जाएगा। लीव और स्टीम, लीव और स्टीम कहाँ है? लीव यहाँ पर है, स्टीम यहाँ पर है। थॉन से थॉन मिल रहा है, ऑल प्लस नो क्या बनाता? नो बनाता, यानी इसका इस दोनों स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आ जाएगा? नो लीव आर स्टीम आ जाएगा। और नो लीव आर स्टीम के तीन पॉसिबिलिटी होती है, एक नो में, दो सम नॉट में, तो यहाँ पर सम नॉट है, यानी ये भी करेक्ट हो जाएगा, यानी बोथ फॉलो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आए। अब यहाँ पर चेयर और सोफा है, चेयर और सोफा कहाँ पर है आप इस चीजों को चेक करें पहले। तो सोफा यहाँ पर है, चेयर यहाँ पर है, बेड बेड मिल तो रहा है, पर सम नॉट एक ऐसा टाइप का स्टेटमेंट है जिससे कोई भी स्टेटमेंट मिलता नहीं है। सम नॉट एक ऐसी टाइप की स्टेटमेंट होती है फ्रेंड जिससे कोई भी स्टेटमेंट मिलता नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जब मिल नहीं पाएगा तो इसके बीच की कंक्लूजन आप कैसे निकाल पाओगे? तो ये गलत हो जाएगा। टेबल और बेड, टेबल है यहाँ पर, बेड है यहाँ पर, बेड है यहाँ पर। अब सोफा से सोफा तो मिल रहा है पर सम नॉट से कोई भी स्टेटमेंट मिलता नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे, अच्छा ठीक है, बेड और टेबल है, सोफा से सोफा मिल रहा है, सम नॉट से कोई स्टेटमेंट मिलता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? नीदर वन नॉट टू फॉलो बनेगा। ठीक है, नीदर वन नॉट टू फॉलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर गर्ल्स और एडल्ट है,
गर्ल्स कहाँ पर है? यहाँ पर एडल्ट यहाँ पर है। दोनों डायरेक्टली मिलेगा नहीं क्योंकि दोनों में कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड को जब मिलाओगे आप तो बॉयज से बॉयज तो मिल जा रहा है लेकिन ऑल प्लस सम कुछ होता नहीं है। तो जब दो स्टेटमेंट मिल नहीं पाएगा तो उसके बीच का कंक्लूजन आप फाइंड नहीं कर पाओगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी गर्ल्स एडल्ट है, दो स्टेटमेंट मिल नहीं पाए तो आप उसका कंक्लूजन नहीं निकाल सकते तो ये भी गलत हो जाएगा। पर ये कंप्लीमेंट्री पेयर से राइट हो जाएगा क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट दोनों का प्रेडिकेट सेम है। एक आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंप्लीमेंट्री पेयर से राइट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा? ईदर वन और टू फॉलो इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर इंटेलिजेंट और स्मार्ट, इंटेलिजेंट यहाँ पर है फ्रेंड, स्मार्ट यहाँ पर है। हैंडसम से हैंडसम मिल रहा है लेकिन सम प्लस सम कुछ होता नहीं है, सम नॉट प्लस सम नॉट भी कुछ होता नहीं है। तो जब दो स्टेटमेंट मिला नहीं तो उसका कंक्लूजन राइट कभी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे आते हैं। हैंडसम और ब्यूटीफुल, हैंडसम और ब्यूटीफुल कहाँ है? तो हैंडसम यहाँ पर है, ब्यूटीफुल यहाँ पर है। इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट मैच कर रहा है। ओनली अ फ्यू को हम सम भी कहते हैं और सम नॉट भी कहते हैं। तो सम प्लस नो सम नॉट बनाएगा, तो सम नॉट बनाएगा यानी सम हैंडसम आर नॉट ब्यूटीफुल, यानी कि ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ओनली टू फॉलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लोग बात करें। रीजनिंग आर करेंट अफेयर, अब रीजनिंग और करेंट अफेयर कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो रीजनिंग यहाँ पर है, करेंट अफेयर यहाँ पर है। सम प्लस ऑल सम होता है, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड मिल गया यानी सम प्लस ऑल सम होगा। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट को मिलाओगे तो वहां से रिजल्ट क्या आएगा? सम रीजनिंग आर इंग्लिश आ जाएगा। उससे यदि आप ओनली अ फ्यू को मिलाओगे तो सम प्लस सम कुछ होता नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी रीजनिंग और करेंट अफेयर यानी ये भी गलत हो जाएगा। दोनों का सब्जेक्ट दोनों का प्रेडिकेट मैच कर रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है यानी कंप्लीमेंट्री पेयर से ये भी राइट हो जाएगा। यानी ईदर वन और टू फॉलो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चार्जर और पावर बैंक, चार्जर और पावर बैंक कहाँ पर है फ्रेंड? तो चार्जर यहाँ पर है, पावर बैंक यहाँ पर है। फोन से फोन मिल रहा है, सम प्लस नो सम नॉट बनाता है। यानी सम नॉट क्या हो जाएगा? सम चार्जर आर नॉट पावर बैंक, यानी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एडप्टर और फोन, एडप्टर और फोन, फोन यहाँ पर है, एडप्टर यहाँ पर है। पावर बैंक मिल गया। नो प्लस ऑल सम नॉट रिवर्स बनाता, यानी सम एडप्टर आर नॉट फोन, सम एडप्टर आर नॉट फोन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? बोथ फॉलो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कॉपी और एडिट, कॉपी और एडिट कहाँ है? कॉपी यहाँ पर है, एडिट यहाँ पर है। पेस्ट से पेस्ट मिल रहा है, ऑल प्लस सम कुछ नहीं होता इसलिए गलत हो जाएगा। पेस्ट और कट, कट यहाँ पर है, पेस्ट यहाँ पर है, कॉपी कॉपी मिल रहा है। नो प्लस ऑल सम नॉट रिवर्स बनाता और सम नॉट का कोई भी कंक्लूजन नहीं होता, यानी ये भी गलत हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीदर वन नॉट टू फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए। गिफ्ट और सरप्राइज, गिफ्ट कहाँ पर है? यहाँ पर। सरप्राइज यहाँ पर है। दोनों डायरेक्टली मिलेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट और यहाँ पर रिवार्ड दोनों में कॉमन लेटर नहीं है। यदि हम फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाए तो प्रेजेंट से प्रेजेंट तो मिल गया लेकिन ऑल प्लस सम कुछ होता नहीं है। तो जब दो स्टेटमेंट मिलेगा नहीं तो कंक्लूजन राइट कभी नहीं हो सकता। प्रेजेंट और रिवार्ड, प्रेजेंट यहाँ है, रिवार्ड यहीं पर है। ओनली अ फ्यू का दो मतलब होता है, सम प्रेजेंट आर रिवार्ड एंड सम प्रेजेंट आर नॉट रिवार्ड। तो सम प्रेजेंट आर नॉट रिवार्ड यानी ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओनली टू फॉलो इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब यदि आप लोग को इस तरह से आप स्पीड से आप क्वेश्चन बना ले रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आपको क्वेश्चन बनाने में समय लगता है, हालांकि अब आपके सीखने की समय नहीं, आप जिस पैटर्न से, आप बस यही सोचिए कि 100% आप राइट बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। और लेकिन फ्यूचर को लेकर के आप यदि मेरे तरीके से सीखना चाहते हैं तो जरूर है कि आप इस पे संपर्क करें। आप हमारे पेड बैच में इनरोल होना चाहते हैं एक नॉमिनल फी में तो भी आप संपर्क करें, चाहे वो मेंस बैच के लिए ही क्यों ना हो।
जहाँ पर एक बेहतर एजुकेशन आपको मिल पाएगा, जिससे कि आप अपने एम को जरूर है कि फ्रेंड्स अचीव कर पाएंगे। तो जो लोग को भी दिक्कत होता है, जरूर है कि आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपके लिए हमेशा हम यहाँ पर अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू।